Next question. Question says gravel is dropped onto a conveyor belt at a rate of 0.5 kg per second. The extra force required in Newton to keep the belt moving at 2 meter per second will be, और हमारे ऑप्शन है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन या फिर 0.4 न्यूटन. नाउ ये आपका वेरिएबल मास का सवाल है. सो मैं एक बार वेरिएबल मास का फॉर्मूला डिराइव करता हूँ. सो वेरिएबल मास के फॉर्मूले को हम ये लिखते हैं, जैसे अपना न्यूटन का सेकेंड लॉ है, वो कहता है फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यानी कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम वी. और इसको जब हम अपना यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का, सो हम इसको लिखते हैं एम मल्टीप्लाइड बाय डी वी बाय डी टी प्लस एम, ये आएगा दिस विल बी वी मल्टीप्लाइड बाय डी एम बाय डी टी. नाउ जब हम ये कहते हैं कि आपका डी एम बाय डी टी जो आपका मास हम कांस्टेंट मानते हैं, मास का टाइम के साथ वेरिएशन जब हम ज़ीरो कहते हैं, तो उस केस में हम लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, तो आपका एफ इज इक्वल टू एम ए जो सेकेंड लॉ है, दैट इज अंडर द अजम्पशन कि आपका मास चेंज नहीं हो रहा है. नाउ कंसिडर द केस कि आपका वेलोसिटी में कोई चेंज ना है, उस केस में हम आपका वेरिएबल मास का केस कंसिडर करते हैं. उस केस में हम लिखते हैं एफ विल बी इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई डी एम बाय डी टी. राइट, तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. तो स्नैरियो ये है कि ये आपकी कन्वेयर बेल्ट है जो ऐसे ऐसे करके आपकी मूव कर रही है, उसके ऊपर आप ऐसे ग्रेवल या कुछ पत्थर या कुछ पाउडर ऐसे यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं ऐसे. सो ये पाउडर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, उसकी वजह से एक फोर्स आ रहा होगा. उस फोर्स की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ लिखेंगे वी, जो है वो दिया हुआ है अपने को 2 मीटर पर सेकेंड, बेल्ट आपकी मूव कर रही है 2 से, मल्टीप्लाइड बाय डी एम बाय डी टी विच इज़ 0.5, इसकी वैल्यू हो गई 1 न्यूटन. ना 1 न्यूटन आपका फोर्स है जो आपकी इसके मास के यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से आ रहा है. ना अगर हम चाहते हैं आपकी बेल्ट की सेम स्पीड रहे, तो इसके ऊपर हमें सेम आपका ये वाला फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड हेंस 1 न्यूटन वुड बी द राइट आंसर.